तो दोस्तों यहाँ पर अक्टूबर जाने वाला है, दशहरा जा चुका है और दशहरा वाली सेल भी यहाँ से जा चुकी है। और दशहरा वाली सेल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रही और दिवाली वाली सेल अब जस्ट आने ही वाली है। और दोस्तों यहीं पर अब दिवाली पे लेने वाले हैं लोग अच्छे अच्छे फोन और स्मार्टफोन भी अब दिवाली के टाइम पे बहुत सारे आने वाले हैं नवम्बर के महीने में। और दोस्तों यहीं पर एसुस रोग फोन 3 जो कि 12 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अभी 15 दिन पहले ग्लोबली लॉन्च हुआ था, वो फ्लिपकार्ट से यहाँ पर मंगवा लिया है, जो कि 29 अक्टूबर को यहाँ पर आ जाना चाहिए था लेकिन लेट होने की वजह से अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही ये फोन आ जाता है तो उसकी आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिल जाएगी, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो आपको मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन इन नवंबर 2020। तो दोस्तों ये वाला महीना भी अमेजिंग होने वाला है। जैसे की अक्टूबर में जितने सारे फोन आए थे ऐसे ही नवम्बर में आने के पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। और दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अपकमिंग स्मार्टफोन की जो लिस्ट होती है मैं उन्हीं फोन को प्रेफर करता हूँ जिसकी 100% एक्यूरेसी होती है कि वो फोन आएगा ही आएगा। तो दोस्तों मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं टेक्री मिनट्स। तो फटाफट हम हमारा काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले फोन कौन सा आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ Realme X7 के बारे में। तो दोस्तों ये फोन जो है ये इसी मंथ में रिलीज होने वाला है। दोस्तों ये फोन Realme की तरफ से बहुत ही अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। दोस्तों ये Realme की तरफ से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन रहने वाला है क्योंकि ये Realme की तरफ से 5G के अंदर सबसे सस्ता फोन निकालने की बात हो रही है। ये फोन 6.4 इंचेस फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि सस्ते में 5G टेक्नोलॉजी के साथ हमें स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। प्रोसेसर हमें MediaTek Dimensity 800U यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर हमें दो वेरियंट देखने को मिलेंगे, 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 8GB के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज। रियर साइड पे 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। 4300 mAh की हमें यहाँ पर बैटरी देखने को मिलने वाली है और उसी के साथ हमें 65 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, जो कि 33 मिनट्स में हमारे पूरे फोन को ये फटाफट चार्ज कर देगा। और दोस्तों इसी के साथ हमें इसी के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है कि 20,000 के अंडर ये फोन आने वाला है। तो दोस्तों ये 5G सबसे सस्ता 5G होने वाला है हमारे स्मार्टफोन्स में Realme की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें इंडियन कंपनीज की, जियो, लावा एंड माइक्रोमैक्स। यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने तो कंफर्म कर दिया है कि 3 नवंबर को ये फोन लेके आने वाले हैं, जहाँ पर कंफर्म है कि दो फोन यहाँ पर आने वाले हैं। वीडियो में आप ये फोन के बारे में आप देख ही लेंगे। और जियो और लावा की जो बात चल रही है वो नवंबर एंड तक यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि कौन से दो फोन या फिर एक एक फोन इनका आने वाला है। और दोस्तों वहीं पर अगर आपका बजट 20,000 के आसपास ही है तो प्लीज आप इस फोन का वेट कर सकते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट फोन होने वाला है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ OnePlus Nord N10 5G की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों ये 5G फोन जो है ये 20,000 के अंदर रिलीज होने वाला है नवंबर मंथ में, जिसका आप वेट कर सकते हैं। OnePlus की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन रहने वाला है। यहाँ पर हमें 6.49 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें 90 Hz की रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो Qualcomm Snapdragon 695 5G यहाँ पर हमें प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर हमें पहली बार OnePlus में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा के साथ, और यही फोन हमें 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर आप OnePlus का कोई फोन लेना चाहते हैं और ये फोन आने ही वाला है नेक्स्ट मंथ में, जो कि 20,000 के अंदर अंदर रहने वाला है, तो दोस्तों आप इस फोन का वेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये फोन कैसा लगा, इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसे लगी, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों इसी नेक्स्ट मंथ में OnePlus का एक और फोन आने वाला है, जो कि OnePlus का अब तक का सबसे सस्ता फोन रहने वाला है। तो हाँ दोस्तों ये 15,000 के अंदर ये फोन आने वाला है, जिसका नाम मैं यहाँ पर बता रहा हूँ OnePlus Nord N100 4G। तो दोस्तों ये फोन हमारे यहाँ पर 4G के अंदर रिलीज होने वाला है, जो कि रहेगा 15,000 के अंदर। तो यहाँ पर हमें OnePlus की तरफ से नेक्स्ट मंथ में दो अमेजिंग फोन हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो भी अमेजिंग प्राइस पे। तो दोस्तों यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाली है। Qualcomm Snapdragon 460 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। स्टोरेज की बात करूँ तो हमें यहाँ पर 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिलने वाली है, और 6GB रैम 128GB स्टोरेज हमें इसके अंदर देखने
देखने को मिलने वाली है। इसी के अलावा 13 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर ट्रिपल रियर कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है और 6000 mAh की इतनी बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। और अगर दोस्तों ये 15000 के अंदर अगर ये रिलीज होता है तो बहुत सारे फोन को कॉम्पीट करेगा, सैमसंग की एम सीरीज, पोको एम टू प्रो, या फिर यहाँ पर हम बात करें रेडमी की, बात करें रेडमी नोट 9 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फोनों से बैटरी फोन हमें देखने को मिलने वाला है वन प्लस की तरफ से। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद ही सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर इन सारे फोन से जो कि एक ही रेंज के अंदर इतने सारे फोन थे उन सारे फोन से बैटर हमें यहाँ पर फोन देखने को मिलने वाला है। तो सीरियसली बताऊँ आप इस फोन का वेट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा फोन चाहिए हो तो। नवम्बर मंथ में हमें ऐसे उसकी तरफ से 2 स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं और दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप लेवल के होने वाले हैं। और तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ इन दोनों के फोन के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है क्योंकि इसी के अंदर मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है जो कैमरा फ्लिप होके हमें सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों दोनों ही फोन के अंदर हमें देखने को मिलने वाली है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है जो कि रहेगी 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ, HDR 10 प्लस के साथ, गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन के साथ और 700 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। और इसी के साथ हमें ड्यूअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट भी हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। Asus ZenFone 7 Pro में हमें एक वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 8GB 256 इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसी के अंदर हमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। Asus ZenFone 7 की यहाँ पर हम बात करें तो 2 वेरिएंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और इसी के साथ हमें स्नैपड्रैगन 865 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसी के अलावा दोनों फोन में हमें मोटराइज्ड फ्लिप कैमरा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलेगा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। और यहीं पर दोनों फोन में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए 30 वोल्ट का इसके अंदर हमें चार्जर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों यहीं पर इसके प्राइस सेगमेंट की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 44,000 का हमें Asus ZenFone 7 हमें देखने को मिलने वाला है और 48,000 में हमें Asus ZenFone 7 Pro हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट फोन हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है माइक्रोमैक्स की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर माइक्रोमैक्स का कंफर्म हो गया है कि 3 नवंबर को ये फोन लॉन्च करने वाला है। माइक्रोमैक्स की तरफ से हमें यहाँ पर In1A यहाँ पर हमें फोन देखने को मिलने वाला है जहाँ पर हमें 2 हैंडसेट हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर दोनों फोन की बात हम यहाँ पर डिटेल में कर लेते हैं जिससे आपको सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर 2 कैटेगरी में हमें यहाँ पर डिवाइड कर दिया है तो जिससे आप समझ पाएंगे कि कौन से फोन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पहले फोन में हमें देखने को मिलेगी 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले, वहीं पर हमें दूसरे फोन में हमें देखने को मिलेगी 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, वहीं हमें पहले फोन में हमें 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और दूसरे फोन में हमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिलने वाली है। 2GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले डिवाइस के अंदर हमें रियर कैमरा हमें देखने को मिलेगा ड्यूअल कैमरा सेटअप जिसके अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर कैमरा देखने को मिलने वाला है, वहीं पर फ्रंट कैमरा हमें 8 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वहीं पर हमें 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज वाले डिवाइस के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है जिसके अंदर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हमें देखने को मिलेगा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, वहीं पर 13 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी होने वाली है। प्रोसेसर की बात करूँ तो हमें यहाँ पर दोनों ही फोन में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले फोन की बात करूँ तो हमें यहाँ पर हीलियो G35 प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है, दूसरे फोन की बात करूँ तो हीलियो G85 हमें यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों फोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर माइक्रोमैक्स की तरफ से दोनों ही फोन बहुत ही अमेजिंग प्राइस रेट पे और बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। प्राइसिंग की यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक फोन हमारा यहाँ पर 9000 रुपए का होने वाला है और दूसरे फोन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो 13000 के आसपास इसकी प्राइस रेंज देखने को मिलने वाली है। 13000 के अंदर अगर ये फोन लॉन्च होता है तो सीरियसली बताऊँ 13000 में इससे बेटर फोन हमें देखने को मिल जाएगा। तो होप सो कि ये 13000 से नीचे लॉन्च हो तो ज्यादा चलने के इसके चांसेस लग रहे हैं, अदरवाइज इससे बेटर फोन बहुत है मार्केट के अंदर। और दोस्तों यहीं पर Vivo V20 SE और Vivo V20 Pro हमें यहाँ पर ये फोन देखने को मिलने वाले हैं नवंबर मंथ में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग के अंदर। तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो गया है कि इन दोनों में से एक फोन तो 100% हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है इसी मंथ के अंदर। तो दोस्तों बहुत सारे इंटरेस्टिंग फोन रिलीज होने वाले हैं नवंबर मंथ में। तो दोस्तों आप इसी चैनल से जुड़े रहें और मैं आपको सारे फोन्स के बारे में डिटेल में आपको बताता रहूंगा कि कौन सा फोन किस महीने आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर मैं जितने भी फोन वही फोन बताता हूँ कि जो फोन 100% एक्यूरेसी है कि ये फोन
फोन आएंगे ही आएंगे, वही मैं आपको यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको मिले एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसी चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।